जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यश अभी जो वीडियो लेके आई हूँ ये है AOC की वेटिंग लिस्ट को लेके और नई भर्ती को लेके भी आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त मेरे पास मैसेज करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं और फेसबुक पे भी काफ़ी दोस्त यश बलौदा के नाम से जो मेरी आईडी है उस पर भी मैसेज कर देते हैं, कुछ यश बलौदा ब्लॉग्स के नाम से पेज है उस पर करते हैं, लेकिन मैं मोस्टली यश बलौदा वाली जो आईडी है, जो अपनी प्रोफाइल आईडी है, वो ही चलाता हूँ मैं, उसको प्रोफेशनल मोड में चेंज कर रखा है। तो अगर कोई भी दोस्त मतलब फेसबुक पे फॉलो करना चाहता है तो फेसबुक पे मेरी यश बलौदा के नाम से है, जिसमें मैं ट्रैक्टर के आगे खड़ा हूँ, वो फोटो लगी हुई है, वो देख लेना। और काफ़ी दोस्त इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं मोस्टली रिप्लाई भी कर देता हूँ, फेसबुक वाले दोस्तों को भी रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन अभी क्या है 2-3 दिन से मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट का बहुत अभी इश्यू आ रहा है, क्योंकि हरियाणा में अभी काफ़ी जिलों में 6-7 जिलों में इंटरनेट बंद कर रखा है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी बंद कर रखा है, तो जिसकी वजह से मैं रिप्लाई वगैरह नहीं दे पाता। काफ़ी दोस्त सोच रहे होंगे रिप्लाई नहीं देते, कई बार क्या मैं सीन कर लेता हूँ, क्योंकि इधर उधर से नेट जोड़ के मैं देखता हूँ तो सीन ही हो पाता, उसमें पूरा प्रोसेस नहीं हो पाता भाई आपको रिप्लाई वगैरह या कोई फोटो वगैरह मैं भेज पाऊँ, तो मैं मेरी कोशिश रहती है आपको रिप्लाई करने की, लेकिन काफ़ी दोस्त ना एक ही एक मैसेज करते हैं बार बार, तो उससे बंदा इरीटेट हो जाता है। देखो, आपके बार बार मैसेज करने से कोई अलग से रिप्लाई नहीं आने वाला, वो जो मैं एक बार बता चुका हूँ वही बार बार आपको रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, कोई अपडेट होगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता भी दूंगा, मैसेज में कोई अलग से नहीं बताता। कोई दोस्त मेरे को एज की छूट के बारे में पूछता है, अभी AC की भर्ती आई है उसके बारे में, तो मैं ऑलरेडी सब कुछ आपको बता चुका हूँ, आप वीडियो में जाके एक बार देख लो, कोई गौर से देख लो। अगर काफ़ी दोस्तों यूनिफॉर्म वगैरह को लेके बहुत से क्वेश्चन रहते हैं, कुछ छुट्टियों को लेके रहते हैं, कुछ बोले हमें रहने को क्या मिलेगा ये मिले, तो इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देखो दोस्तों, एक बार पुरानी वीडियो देखोगे ना चैनल पर जाके, सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक बार पुरानी वीडियो देख लेना, सारा कुछ मैंने डिटेल में बता रखा है। कुछ दोस्त कट ऑफ को लेके पूछते हैं और कितनी कट ऑफ जाती है, एडमिट कार्ड कितने परसेंट पे था, तो उसको लेके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आप आगे आने वाली वीडियो देख लेना। अभी इस वीडियो में बात करूंगा इस वेटिंग लिस्ट को लेके, तो वेटिंग लिस्ट को लेके काफ़ी दोस्त मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, भाई सर वेटिंग लिस्ट कब आई कब आई, तो वेटिंग लिस्ट अब आ चुकी है, आप अपना रोल नंबर देख लो इस वेटिंग लिस्ट में अगर आपका नाम है, तो हम लिस्ट पे आ गए हैं। ये लिस्ट देखो, आर्मी ऑर्डर ने स्कोर की है, आप ये देख सकते हो गौर से, ये AOC की है, जिस दोस्त को नहीं पता तो देख लो। अभी हम आपको दिखाता हूँ, आप अपना नाम देखो इसमें, ये फायरमैन के, तो ध्यान से देखो, आपको अपना रोल नंबर वगैरह देख लो गौर से, जो भी फायरमैन के दोस्त हैं, ट्रेडमैन के लास्ट में दिखाऊंगा, ट्रेडमैन के भी देख लेना, तो जिस भी दोस्त का है वो अभी अपना मैच करके देख लो इसमें, इस लिस्ट को पूरा, देख लिया। तो अभी आपने ना वेटिंग लिस्ट देखी, आपका हो सकता है आपका नाम मैच कर गया होगा, किस दोस्त का मैच किया कमेंट करके बताना, किसी का भी नहीं किया होगा, क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट नहीं है, ये पुरानी जो लिस्ट लगी थी ना स्टार्टिंग में, वो फायरमैन की लिस्ट है भाई दोस्तों, ठीक है। मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ वेटिंग लिस्ट नहीं लगने वाली, कोई लिस्ट नहीं आएगी, स्पेशल लिस्ट नहीं आएगी, ये भाई ये वेटिंग वालों का नाम है, और ऐसे से मैं बहुत बार बता चुका हूँ भाई लिस्ट नहीं आने वाली, नहीं आने वाली, फिर भी वही सवाल, वेटिंग लिस्ट कब आई, वेटिंग लिस्ट कब आई। तो अभी ये वीडियो ना पूरी देख लेना, आपको आपके दिमाग में घुस जाए, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कोई लिस्ट नहीं आने वाली दोस्तों, अगर आएगा तो आपके पास मेल आएगा डायरेक्ट, आपने जो भी GMAIL ID दे रखी है GMAIL ID पे मेल आएगा, और आया है काफ़ी दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा भाई ये इतने फरवरी को मेल आया है, इस दोस्त को ज्वाइनिंग के लिए बोला, ये फायरमैन का, ये ट्रेडमैन का। तो जिन भी दोस्तों का वेटिंग में नेम है, हो सकता है आपको किसी ने गुमराह कर रखा हो, मैं वेटिंग में नाम ला दूंगा, ये ला दूंगा, वो ला दूंगा, तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि क्या है वेटिंग वालों का अपने आप एक मतलब आपके पास मैसेज भी आ जाता है और मेल भी आ जाता है, जिस भी दोस्त को उम्मीद है ना भाई मेरा नाम है वेटिंग में आ सकता है, तो अपनी मेल चेक करते रहना, किसी दोस्त को मैसेज करने से या किसी के झांसे में आने का कोई फायदा नहीं है। आपका नाम आपने अगर एग्जाम में अच्छा कर रखा है तो आपका नाम आ जाएगा, ट्रेड्समैन मेट में कम से कम 60-70 मान के चलो, इतने दोस्तों की वेटिंग लिस्ट में मतलब वेटिंग का मेल आने वाला है, वो मेल आने का कोई टाइम भी नहीं है भाई, कल ही आ जाए ऐसा नहीं है, मेल आपको क्या पता 6 महीने तक आता रहे, साल तक भी आता रहता है। 41 HPD वालों का अभी भी ज्वाइनिंग मतलब कुछ दिन पहले भी ज्वाइनिंग हुई है,
वेटिंग वाले की, तो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होती, साल डेढ़ साल तक आपका आता रहता है, उसके बाद जो इसका सब कुछ मतलब नई भर्ती का वो होने लग जाए ना, तब मेल वेटिंग वालों का नाम आना बंद हो जाता है। लेकिन इसका तो एनईसी बहुत टाइम तक है, तो इसके में जो भी है उनका मेल आएगा, ये सारी जो वैकेंसी है ना जब तक फुलफिल ना हो जाए उनका नाम आएगा, जब तक जितनी 1793 वैकेंसी है बिल्कुल भरना जाए, मतलब कुछ जो दोस्त छोड़ चुके हैं उनकी जगह नए कैंडिडेट ना आ जाए, तब तक आपकी मेल आ सकते हैं, वो उसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, तो आप मतलब उम्मीद में छोड़ना जिस भी दोस्त ने कर रखा है, अच्छा एग्जाम कर रखा है तो। लेकिन अगर आप किसी के चक्कर में ऐसे पूछ रहे हो सर मेल कब आएगा, तो आप ऐसे शोर होकर पूछ रहे हो जैसे मेरा नाम ही है, तो ऐसा पूछने से कोई फायदा नहीं है, आप अपना दूसरी भर्तियों की तैयारी करते रहे, अगर आपकी किस्मत में होगा तो एकदम से आपको सरप्राइज मिल जाएगा। क्योंकि मेरे गांव का एक लड़का था जो 3 लगभग 4 साल हो गई होगी उस भर्ती में, उस दोस्त ने मतलब उसका फाइनलिस्ट लेके लिस्ट में नाम नहीं आया, तो दोस्त मतलब उस ठीक अच्छी तैयारी थी, वो हरियाणा पुलिस की तैयारी करता था, लेकिन नाम नहीं आया, तो थोड़ा चल 1-2 दिन बंदा अपसेट रहता, बाद में उसने उम्मीद छोड़ दी और दूसरी भर्तियों की वैसे तैयारी करने लग गया। लेकिन उस टाइम के बीच में कोरोना भी आ गया, कोरोना के जैसे ही बाद में उस दोस्त को फोन आया वैसे से आपका, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा स्पीड पोस्ट वगैरह नहीं आ रही थी, तो उसका फोन आया, फोन करके उसको कन्फर्म किया गया भाई ये जिस कैंडिडेट का वेटिंग में नाम है ये वही है कि नहीं, 1 साल बाद आया था उसका, तो फिर उसको कन्फर्म करके फिर उसको उस टाइम फोन के माध्यम से भेजा गया था। और फिर जैसे ही कोरोना का लॉकडाउन खुला उसने बंदे ने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए, 4-5 महीने में उसकी ज्वाइनिंग होगी, तो ये प्रोसेस रहा था, ठीक है। तो ये आपके लक पे डिपेंड करता है आपका आएगा कि नहीं आएगा। वो बंदा तो बिल्कुल भूल चुका था मतलब अपना, क्योंकि थोड़ा सा परिवार से भी थोड़ा सा मतलब ऐसे था वे, इतना मजबूत नहीं था, तो अपना वो भी जो भी एक काम धंधा अपना कर रहा था, स्कूल वगैरह की वैन चला के अपना टाइम पास कर रहा था, लेकिन किस्मत ने ऐसा मतलब उसका साथ दिया, उसका नाम आ गया। तो ये है दोस्तों, आप थोड़ा सा वेट कर लो, जिस भी दोस्त को उम्मीद अपनी मेल वगैरह चेक करते रहना, हफ्ते में चेक कर लो, चाहे 10 दिन में चाहे 2 दिन में आप चेक करते रहो, वहीं पे आएगी। अभी एक मेरे पास बिहार के दोस्त का मैसेज आया था इंस्टाग्राम के माध्यम से, मैं आपको उसका जो ज्वाइनिंग लेटर आया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और कितने तारीख को आया वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसकी किस्मत थी, और उस लड़के के मैं इंस्टाग्राम फिर मैंने उसको कॉल भी किया, तो वो खुद इंस्टाग्राम नहीं चलाता, उसका दोस्त चलाता, तो उस बंदे से पूछा मैंने बधाई वगैरह दी भी, अच्छी बात है आपका फायरमैन का ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग लेटर आ गया, और उसको 8 मार्च 2023 तक डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए बोला है। तो मैं उसकी फिर मैंने जो मैं जनरली पूछ लेता हूँ भाई आपके पापा वगैरह क्या करते हैं, तो उस दोस्त का मतलब पता चला भाई उसके पापा काफ़ी टाइम पहले एक्सपायर हो चुका है। तो फिर मैं ऐसे लगा भाई चलो पहली बार बंदे चलो बाप है नहीं है, लेकिन जॉब मिल गई उसको सहारा मिला है, तो मेरे को बहुत खुशी हुई भाई उस दोस्त का मतलब जिसको जरूरत थी उसके का मतलब लक से या उसकी मेहनत से उसके पास ज्वाइनिंग लेटर आया और अब अपने परिवार का सहारा हो गया। बड़ी खुशी मिलती है ऐसे ऐसे, बहुत से दोस्त कई बार मेरे को मैसेज करते हैं, मतलब दिल से एक अच्छी वाली फीलिंग आती है, वो थैंक यू बोलते हैं भाई सर ऐसे ऐसे आपकी वजह से हमारा मतलब ऐसे हमने सिलेक्शन ले लिया, मेरी वजह से नहीं है दोस्तों, जो भी आपके माँ बाप और आपकी मेहनत की वजह से आप सिलेक्शन लेते हो, मेरी वजह से कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको बता दिया गाइड कर दिया उसी से आपको मतलब ठीक है आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया और भर्ती देखने चले गए आपने तैयारी करी है, तो आपकी मेहनत है, मेरा कुछ भी नहीं है उसमें। ऐसे आप क्रेडिट देने को आप अपना क्रेडिट अपने माँ बाप को और खुद को दो, ताकि क्योंकि आपने मेहनत करी है। और मैं आपको उसका एडमिट वो जो ज्वाइनिंग लेटर आया वो दिखाऊंगा अभी। और आपका ना अपनी मेल चेक करते रहना, कोई लिस्ट नहीं आने वाली है, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, जो भी वेटिंग लिस्ट कर रहा है वो अपने दिमाग से निकाल दे, अगर कुछ आएगा तो आपकी मेल पे आएगा। अभी आप ये देख लो ज्वाइनिंग लेटर आया है, और जिस दोस्त ने आगे भी अपडेट लेनी है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो अभी उसका ज्वाइनिंग लेटर देख लो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये है ज्वाइनिंग लेटर, जो हेडक्वार्टर आप इस गौर से देखोगे तो ये गौर से देखो इसको, ये है ज्वाइनिंग लेटर, ये एसी रिकॉर्ड के द्वारा भेजा गया है 7 फरवरी 2024 को ये सेंड हुआ है। और आप अगर गौर से देखोगे ना तो ये देखो एओसी रिकॉर्ड सेंटर है, यहाँ से इसको भेजा गया, और ये बिहार का रहने वाला है दोस्त। मैंने इसकी पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन थी वो ऐड कर रखी है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन के लिए इसका सिलेक्शन हुआ है, इसके पास ये मेल के माध्यम से आया है। तो और मैंने बाकी जो भी जानकारी इसकी वो ऐड कर रखी है, ये इसका एग्ज़ाम हुआ था
इसमें जिसके पर्सनल मतलब रोल नंबर वगैरह थे इसके, और इसको यूनिट अलॉट कर दी गई है जम्मू कश्मीर की, और इसको 8/3/2024 तक ये अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। फिर ये जो ये सारे डॉक्यूमेंट इसको लेके जाने हैं, जो भी है इसके पास वो सारे लेके जाने हैं। तो इस दोस्त के पास कोई इसका लिस्ट में नाम नहीं आया, इसके पास डायरेक्ट वो आया है मेल के माध्यम से आया है। अभी इस दोस्त को अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवाने हैं, तो जो भी दोस्त है ना अभी भी वेट कर ले, अपने अपने मेल वगैरह चेक कर ले, वहीं पे आएगा, कोई लिस्ट नहीं आने वाली। इस दोस्त ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो सब्सक्राइब कर ले भाई, आगे जो भी कोई अपडेट आएगी तो बता दूंगा, आप अपने मेल वगैरह चेक करते रहना। तो जय हिंद, जय भारत।